हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में वुलन ब्लाउज का ये हम डिजाइनर आस्तीन बनाना आपको बताएंगे। देखिए, इसको हम जो है ब्लैक सिंपल ब्लाउज बुन करके डिजाइनर ब्लाउज बनाए हैं। इसको जो बनाने के लिए जो है इसको हम मोती पहले ऊन में भर लिए हैं। जितनी भी मोती आपको आवश्यकता हो उतना मोती आप पहले उनमें सुई के सहारे उसको गूंथ लीजिए। और उसके बाद जो है फिर बॉर्डर बनाइए। बॉर्डर बनाने के बाद जो है इस डिजाइन को आप बनाइए। देखिए, ये ब्लाउज जो है बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको चाहे मोती लगाएं या फिर इसके ऊपर डिजाइन ही बना सकती हैं, लेकिन मोती लगाइए तो और सुंदर लगता है। तो देखिए, इसको हम बनाए हैं, इसको हम नए सिरे से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस डिजाइन को थोड़ा सा यहाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा अंतर बताया गया है, क्योंकि अगर हम इस तरह से डिजाइन यहाँ पर बनाएंगे तो ये डिजाइन थोड़ी सी, मतलब ये स्टार्टिंग से नहीं बनेगी, थोड़ी सी और नीचे से ही ये मान के चलिए इतने पर से शुरू होगा। तो इसलिए जो है हम इसको थोड़ा सा यहाँ अंतर करके बना दिए हैं। यहाँ ये कई मोती हमारी पड़ रही थी तो थोड़ा अच्छा कम लग रहा था, इसलिए इसको सुंदर बनाने के लिए हमने थोड़ा सा डिजाइन को अंतर कर दिया है। तो देखिए, इसको हम बना के आपको बताते हैं। देखिए, मोती को हमने इस तरह से सुई से ऐसे ऊन में लगा लिया है। देखिए, ऐसे मोती को सुई से पहले भर लिया है। ऐसे जितनी ज़रूरत है उतना मोती आप पहले भर लीजिए और उसके बाद ऐसे धीरे धीरे एक एक मोती करके जहाँ ज़रूरत हो ऐसे लगाते जाइए। तो देखिए, डिजाइन हम स्टार्ट करते हैं। किनारे वाला फंदा पहले एक फंदा बुन लेते हैं, उसके बाद जो है अब देखिए यहीं से डिजाइन शुरू होगी। पहले तो जो है देखिए धागा आगे करेंगे। अब दो फंदा एक साथ बुनना है, धागा आगे करेंगे तो जाली बढ़ जाएगा और इसको जो है हम ऐसे पलट देंगे जिससे हमारा यहाँ घटाएंगे तो चोटी बन जाए। तो दोनों फंदे को एक साथ ऐसे सीधा बुन देंगे, दो फंदा एक साथ बुने, उसके बाद दो फंदा सीधा बुनेंगे। दो फंदा सीधा बुने हैं और ऊपर जाके जब डिजाइन बनेगा तो यहाँ पर तीन फंदा बुना जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में दो ही फंदा बुन करके हमें यहाँ एक मोती लगाना है। देखिए, एक जाली, दो फंदा एक साथ, अब दो फंदा एक एक करके सीधा, उसके बाद अब इसमें मोती लगाएंगे। मोती इस तरह से ऐसे लगाएंगे, इसमें मोती लगा दिए हैं और एक फंदा सीधा, फिर इस फंदे में फिर मोती लगाना है हमें, इसमें हमें फिर मोती लगाना है। देखिए, इसमें हम मोती लगा दिए हैं। देखिए, इसमें मोती लगाए हैं, एक फंदा सीधा बुने मोती लगाए हैं, दो फंदा सीधा, दो फंदा सीधा, अब फिर दो फंदा एक साथ। इसको हमें पलटना नहीं है, इसको हमें ऐसे ही बुन देना है। इसको हमें दो फंदा एक साथ ऐसे बुन देना है और फिर इस फंदे के दोनों किनारे हमें जाली बढ़ाना है। देखिए, धागा आगे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे तो हमारा जाली बढ़ गया। अब हमें यहाँ फिर तुरंत ही घटाना है, तो इसको हम बाएं इधर से जब घटाएंगे तो हमें यह फंदा पलट लेना है। देखिए, दो फंदा एक साथ और एक फंदा, दो फंदा सिंगल सिंगल करके दो फंदा, उसके बाद फिर मोती लगाएंगे। देखिए, दो ही फंदा पर हम मोती लगा रहे हैं, आगे चल करके हमें तीन फंदे के बाद लगाना रहेगा। एक फंदे में मोती लगाए हैं, एक फंदा सीधा, फिर इस फंदे में मोती,
देखिए इस फंदे में फिर मोती, दो फंदा सीधा, दो फंदा सीधा, दो फंदा एक साथ, देखिए दो फंदा एक साथ। अब यहाँ हमारा फंदा घट गया तो हमें जाली बढ़ा करके इसको पूरा करना है। यहाँ जाली बढ़ा दिए हैं, लास्ट वाला फंदा इसे बुन देते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से पहली सिलाई पूरी हुई। अब उल्टे की तरफ सारे फंदों को उल्टा बुनना रहेगा, ये जाली भी उल्टा बुनेंगे। देखिए इसी तरह से हम जाली को भी उल्टा बुन रहे हैं और सारे फंदे को हमें उल्टा बुनना है। देखिए जाली ऐसे है, इसको भी उल्टा ही बुन देते हैं, ये भी और इसको भी ऐसे ही। इस तरह से बुनते हुए हम सिलाई को पूरा कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए अब हम तीसरी सिलाई पर आ गए, किनारे वाला फंदा ऐसे हम बुन लेते हैं। ये जो जाली बढ़ाए थे इसको भी बुन लेंगे। अब इसके बाद हमें जाली यहाँ बढ़ाना है और दो फंदे को एक साथ बुनना है। फंदा ऐसे हम पलट लेंगे, दो फंदा एक साथ, दो फंदा एक साथ, और उसके बाद दो फंदा सीधा। दो फंदा सीधा बनाने के बाद हमें मोती लगाना है। हमें मोती लगाना है, फिर दो फंदा सीधा, दो फंदा एक साथ। इस तरफ हमें फंदा पलटना नहीं है, ऐसे बुन देना है। तो फ्रेंड देखिए, और अब यहाँ पर पहली बार एक फंदा बुने थे जाली बढ़ाए थे, अब की बार हमें तीन फंदा बुनना है बीच में, और इस फंदे को पलट देना है। पलट करके ऐसे दो फंदा एक साथ, दो फंदा सीधा, एक फंदा में मोती लगाएंगे। देखिए इस फंदे में मोती लगाएंगे, दो फंदा सीधा, दो फंदा इधर सीधा हुआ, दो फंदा एक साथ बिना पलटे हुए, दो फंदा एक साथ। जहाँ घटाएंगे वहीं तुरंत में जाली बढ़ाना है, और इधर दो फंदा सीधा। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये हाफ डिजाइन, मोती वाला हाफ डिजाइन बन गया है। अब इसी तरह से और यहाँ पर नए सिरे से नई फुल डिजाइन पड़ रही है। ये तो हमारा हाफ डिजाइन पड़ रहा है, ये फुल डिजाइन हमारी पड़ रही है। उल्टे के तरफ से हम सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे, बुनते हुए सिलाई को पूरा करेंगे। तो फ्रेंड देखिए अब हम सीधे की तरफ से फिर बना रहे हैं। यहाँ जहाँ जाली बढ़ रहा वहाँ जाली बढ़ाएंगे, जहाँ घट रहा वहाँ पर घटाएंगे। फंदे को पलट करके दो फंदा एक साथ। अब यहाँ हमें मोती अब की बार नहीं लगाना है, ऐसे हम सीधा बुन देंगे। देखिए दो फंदे यहाँ घटाना है हमें, यहाँ घटा दे रहे हैं और घटाने के बगल में हमें जाली बढ़ाना है। तो देखिए अब हम इसमें कम मोती लगाना शुरू करेंगे जब हमारा यहाँ पर तीन फंदा हो जाए, एक दो, और ये तो बीच में मोती लगाना दो ही फंदा है, तो इसके माने अभी हम एक सिलाई और बनाएं। एक सिलाई हम ऐसे, आपकी सिलाई में हमें मोती नहीं लगाना है। इस तरह से हम जैसे इधर बुने हैं उसी तरह से इसको भी बुन करके पूरा कर देते हैं, और उल्टे की तरफ से सारा उल्टा ही बुनना रहेगा। तो फ्रेंड देखिए अब सीधे की तरफ से हम फिर बनाना शुरू कर रहे हैं। ये जो सब जाली बढ़ाए हैं ये सब हम इसको सीधा बुन लेते हैं। यहाँ जाली बढ़ाएंगे, यहाँ फंदा पलट करके दो फंदा एक साथ, दो फंदा एक साथ, और ये दोनों फंदा एक साथ बुनना रहेगा। तो एक फंदा सीधा बीच वाला, दोनों फंदे को बिना पलटे हुए एक साथ, एक साथ। यहाँ जाली बढ़ाएंगे। अब हमें ये देखना होगा कि हमारा यहाँ मोती लगाने लायक फंदा हो गया है कि नहीं।
देखिए बीच में मोती लगाना है, एक दो तीन फंदा हो गया है। अब की बार हम यहाँ जाली बढ़ाएंगे और एक फंदा दो तीन, तीन फंदा बुनने के बाद हमारा बीच वाले फंदे पा गए हम। अब हमें जो है यहाँ मोती लगा के बुनना है इस फंदे में। देखिए बीच में मोती लगा दिए हैं, फिर तीन फंदा सीधा इसी तरह से हमें यहाँ मोती लगाना स्टार्ट करना है। जब हमारा तीन फंदा इधर तीन फंदा इधर हो जाए, बीच में एक फंदा मोती के लिए रहे, तो हम ऐसे ही इसको बनाएंगे। इसको फंदा पलट करके यहाँ घटा देंगे, यहाँ जाली बढ़ा रहे हैं और इसको भी इस तरह से ऐसे सिलाई पूरा कर देते हैं। देखिए फ्रेंड, अब सीधे की तरफ हम किनारे सब सीधा फंदा बुन रहे हैं। देखिए ये सब सीधा बुन रहे हैं, यहाँ जाली बढ़ाएंगे। अब यहाँ देखिए बीच में हमारा तीन फंदा बच रहा है। तीन फंदे को जाली बढ़ा के ऐसे हम तीनों को एक साथ बुन देंगे। तीनों फंदे को एक साथ ऐसे बुन देंगे, तीन फंदा एक साथ ऐसे बुन देंगे, फिर जाली बढ़ाएंगे। जाली बढ़ाने के बाद तीन फंदा हमें बुनना है, एक दो ये तीन, तीन फंदा हमारा हो गया। अब हमें मोती लगाना है। देखिए हम बताए थे ना नीचे कि हमें इसको मतलब इसको बैठाने के लिए, इसको सेट करने के लिए दो फंदा बुन करके मोती लगाए थे, लेकिन अब पूरे ब्लाउज के आस्तीन में जो है तीन फंदा यहाँ बुन करके मोती लगाना होगा। तीन फंदा बुन लिए हैं, अब इसको हम मोती लगाएंगे। तीन ये बीच वाला, एक फंदा सीधा, फिर यहाँ पर मोती। देखिए तीन फंदा सीधा, तो तीन तीन फंदा सीधा, यहाँ जाली बढ़ाएंगे तीनों फंदे को। ये डिजाइन हमारी हाफ वाली डिजाइन पूरी हो रही है, इसको हम तीनों फंदे को एक साथ बुनेंगे। एक साथ बुन दिए हैं, जाली बढ़ाएंगे, ये सब सीधा बुन देंगे। इस तरह से इसको पूरा कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए किनारे वाला हम इसको बुन लेते हैं सीधा। सीधा बुन लिए हैं। अब यहाँ देखिए हमारा एक फंदा हो गया। जैसे हम यहाँ पर एक फंदे के किनारे किनारे जाली बढ़ाए थे, उसी तरह से अब इस फंदे के किनारे किनारे हमें जाली बढ़ाना है। देखिए दोनों तरफ जब यहाँ जाली बढ़ाएंगे तो यहाँ हमारा ये डिजाइन घटना शुरू हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो फंदे को पलट लेंगे, जाली बढ़ा के ऐसे पलट करके बुनेंगे। देखिए ये हमारी डिजाइन घट रही है, तो हम इसको फिर अब बीच में एक मोती लगाएंगे। तो फ्रेंड देखिए आप चाहे एक मोती लगाइए डिजाइन के बीच में, चाहे चार मोती लगाइए, और चाहे फिर उसके बाद और भी मोती बढ़ा सकती हैं। अपने इच्छा अनुसार मोती को लगाइए। देखिए डिजाइन मोती वाली डिजाइन ये पूरी हो गई है, और अब इस तरह से आप इसको डिजाइन को बंद करिए और इस डिजाइन को स्टार्ट करिए। ये डिजाइन जैसे ये स्टार्ट हुआ था, इसको स्टार्ट करिए, इसको बंद करिए। तो फ्रेंड देखिए अगर हमारा ये ब्लाउज का डिजाइनर आस्तीन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा डिजाइनर आस्तीन कैसा लगा। अगले नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।